मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की तासिका में हमने उसी से ठंडा और उसी से गर्म ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो लास्ट का पैराग्राफ है वो हम आज की तासिका में देखने वाले हैं। सबको अपनी किताबें निकाल ली है और अपने किताब में ध्यान देना है। मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि सबको ये जो हमारी हास्य कथा है ये सबको पसंद आ रही है। आ रही है ना, मजे की है, वरिष्ठा पसंद आ रहा है। चलो कि कल की तासिका में हमने देखा है कि लकड़हारे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, दोपहर का समय है। उसने एक चूल्हा जलाया, गीली लकड़ी थी और उस लकड़ी को तेज करने के लिए, उस लकड़ी की आग तेज करने के लिए वो उस पर फूंक मारता है। अपने हाथों को गर्म करने के लिए उसमें फूंक मारता है, लकड़ी तेज करने के लिए उसमें फूंक मारता है। अभी आलू बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसे रहा नहीं जाता, वो झट से उस आलू को निकालता है, अपने अंगूठे से दबाता है, उस पर फूंक मारता है और उसे खा लेता है। और उस आलू के ऊपर भी वो फूंक मारता है। अभी उससे रहा नहीं जाता कि आखिर ये कर क्या रहा है। आलू तो पहले से इतना गर्म है कि इसे जलाएगा क्या और फूंक मार के, ऐसा वो अपने मन में उसके कुछ सवाल आ रहे हैं। और ये सवाल का हल ढूंढने के लिए वो उस लकड़हारे के पास चला आता है। तो देखते हैं अगला पैराग्राफ। बलिष्ठ ने कहा, देखो वो कहता है कि सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। बलिष्ठा उसे पूछता है कि सलाम भाई, आपको बुरा नहीं लगेगा तो एक बात पूछो। कि लकड़हारे का बुरा क्यों मानूंगा, पूछो बुरा क्यों मानूंगा, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है ये पूछ लो। देखो बलिष्ठ ने कहा, अभी इस आलू को क्यों फूंकते थे? मैंने समझा है कि ठंड बहुत है इसलिए अपने हाथों को आपने गर्म किया है, गीली लकड़ी है इसलिए आपने उस आग को तेज करने के लिए इसे फूंक मारी है। परंतु आप अभी अपने आलू के ऊपर फूंक क्यों मारते हो, ये तो पहले से ही इतना गर्म है, अब और इसे गर्माने से क्या फायदा? तो अभी लकड़हारा उसे समझाता है कि नहीं मियां, यह आलू बहुत गर्म है, यह आलू क्या है पहले से बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। अभी इस आलू को मुझे खाना है और इसे खाने के लिए मैं अपने मुंह से उसे फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर रहा हूँ ताकि मैं उसे खा सकूं। यह सुनकर मियां बलिष्ठ का मुंह पीला पड़ गया। देखो अभी ये बात उसने सुनी है और ये सुनकर तो उसकी हैरानी मत पूछो, ये सुनकर उस बलिष्ठ का मुंह पीला पड़ गया। आपकी किताब में मुंह पीला पड़ना लिख लो सब लोग, मुंह पीला पड़ना, इस मुहावरा है ये, इसका अर्थ है भय के कारण चेहरा सफेद पड़ना। अभी वो बहुत डर गया है ये सुनकर कि ये आलू बहुत गर्म है और इसे ठंडा करने के लिए मैं इसके ऊपर फूंक मारता हूँ। ये बात सुनकर उसका मुंह पीला पड़ गया, ये बहुत भयभीत हो गया है, उसका भय के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया है, सफेद हो गया है, वे डर के मारे वो थर थर कांपने लगा है। अभी वो बहुत घबरा गया है और घबराने के कारण वो कांपने लगा है, जगह पर बराबर पीछे हटते जाते थे और वो पीछे हटने लगा, उस लकड़हारे के पास से वो पीछे पीछे चला गया क्योंकि वो बहुत घबरा गया है। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, इतना छोटा आदमी और इस आदमी को देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कांपने की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए और रंज भी हो, परंतु ऐसे छोटे से आदमी को देखकर, ऐसे थर थर कैंप को देखकर, थर थर कैंप के मैंने वो कांप रहा था और इसलिए यहाँ पर उल्लेख किया है कि थर थर कैंप की हालत को देखकर हर किसी को हंसी भी आए और रंज भी हो, हंसी भी आए और दुख भी हो, रंज यानी दुखी नाराजी। ऐसे छोटे आदमी को देखकर हंसी भी आए और दुख भी हो कि वो बहुत घबरा गया। उसने आखिर पूछा, क्यों मियां क्या हुआ? आखिर लकड़हारे ने पूछा उसे कि क्यों मियां क्या हुआ, क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों गए हो, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? लकड़हारे ने उसे पूछा, क्या आपको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है इसलिए आप ऐसे कांप रहे हो, थरथर करने लगे हो?
मगर मियां बरिश्ता जब काफी दूर गए तो बोले, अभी वो बहुत घबरा गए हैं मियां बरिश्ता, वो बहुत दूर चला गया और दूर जाकर वो कहने लगा, यह ना जाने क्या बला है, ये लकड़हारा ना जाने क्या बला है। बला यानी आफत, बला का अर्थ है आफत, बला यानी आफत, ये जाने क्या मुसीबत है, आफत और एक शब्द है मुसीबत, ये जाने क्या मुसीबत है, ये लकड़हारा न जाने क्या मुसीबत है, शायद कोई जादूगर है। बलिश्ता कहलो भाई, ये कोई जादूगर तो है, ठंड को गर्म करता है और गर्म को ठंड कर देता है, ये एक जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये उसी से ही ठंडा कर रहा है और उसी से ही ये गर्म कर रहा है, हमारी समझ में ये बात तो नहीं आती। वो कहता है कि मेरी समझ में तो ये बात नहीं है, ये क्या कर रहा है, उसी से ही ठंडा कर रहा है और उसी से ही ये गर्म कर रहा है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सच तो है, ये बात उन मियां बलिश्ते की नन्ही से खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। सच तो ये बात है कि उसी से ठंड करना और उसी से गर्म करना, ये जो बात है, ये मियां बलिश्ते की जो नन्ही सी खोपड़ी है, खोपड़ी यानी दिमाग, जो छोटा सा सुपारी जैसा सिर है और उस सुपारी जैसे सिर में जिसका नन्ना सा जो दिमाग है, इस नन्हे से दिमाग में वो बात जाने की थी भी नहीं। ऐसी ये हमारी उसी से ठंडा उसी से गर्म जो हास्य कथा है, ये हास्य कथा यहाँ पर समाप्त हो गई है, जिसके कवि डॉक्टर जाकिर हुसैन और इन्होंने बड़े ही मजे से यहाँ पर लकड़हारा और बलिश्ते की कहानी यहाँ पर बताई है, जो कि आपको पसंद आई होगी ये मैं आपसे आशा करती हूँ। और ये जो शब्द अर्थ मैंने आपको लिख कर दिए है, ये सब आपकी कापी में आपको लिखना है, आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। तो यहाँ पर अभी इसके स्वाध्याय यहाँ पर दिए हैं, ये स्वाध्याय आपको लिखने हैं। तथा यहाँ पर देखो, जब हमारा व्याकरण का टॉपिक चालू होगा तो हम देखेंगे वचन लिंग ये सब हम देखेंगे, परंतु यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में इस किताब के नीचे आपको जो भाषा बिंदु दिया है वो भाषा बिंदु आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर वचन दिया है, वचन यानी परिवर्तन करना, जैसे कि बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, दीवार आपकी किताब में दीवार दिया है, दीवार जिसका क्या होता है, दीवार का दीवारे दीवारे। अगेन दूसरा है महिला, महिला का क्या आएगा, महिलाएं महिलाएं, ये है वचन, वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन महिला महिलाएं। अभी देखो यहाँ पर लकड़हारे, ये अनेक वचन है, लकड़हारे वचन के दो प्रकार है, एक वचन अनेक वचन। यहाँ पर दीवार एक वचन है, इसका अनेक वचन करना है हमें दीवारे। महिला एक वचन है, इसका अनेक वचन करना है महिलाएं। लकड़हारे बहुत सारे, लकड़हारा एक ही है क्या, नहीं, इसका एक वचन करना है लकड़हारा, लकड़हारा। अगला शब्द है हमारा उंगलियां, उंगलियां, इसका क्या वचन परिवर्तन होता है, उंगली, उंगलियां बहुत सारी दी है तो यहाँ पर उंगली ही आता है, उंगली। अगेन हाथ, हाथ क्या क्या होता है, हाथ ही रह जाता है, हाथ ही होता है क्या, नहीं, हाथ का हाथ, इसका वचन परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हुआ है वचन परिवर्तन, जो कि आपके पाठ्यक्रम में, जो आपके स्वाध्याय के नीचे आपको भाषा बिंदु दिया है, इस भाषा बिंदु में आपको दिया है। इसके सामने शब्द दिया है, शब्द के सामने वचन परिवर्तन ये करना है, वचन परिवर्तन के सामने आपको वाक्य दिया है, एक वाक्य आपको यहाँ पर बताना है, वाक्य कंप्लीट करना है। जैसे कि वाक्य देखो, मेरी कक्षा में चार दीवारें हैं, दीवारें, मेरी कक्षा में चार दीवारें हैं, मेरे आसपास इतनी चार महिलाएं हैं,
मैंने एक लकड़हारे को देखा, ये क्या है, वाक्य है। ये वाक्य आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर देने हैं। बाकी का स्वाध्याय आपके ग्रुप पर आपको मैसेज आ जाएगा। धन्यवाद।